हमारे पास ये कांच की गिलास है, इसका वेट अगर देखा जाए तो लगभग करके आधा किलो तो ज़रूर होगा, 550 ग्राम, तो ये होगा 550 ग्राम। इस गिलास को इस बैलून से हम लोग क्या कर देंगे, आज उठा देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे करेंगे और ये गिलास उड़ जाएगा। तो हम लोग पहले किसी स्टूडेंट को बुला के देखते हैं क्या हमारे स्टूडेंट में इतनी क्षमता है कि इसको उठा सकते हैं, उनके पास इतना कॉमन सेंस है या नहीं। एक लोग आ जाओ, इस बैलून से इसको उठाओ। सच्ची उठते नहीं उठेगा। अरे गुरु जी उठा देते हैं। उठा दे करूँ? हाँ उठा के दिखा भाई, सब आगे सब फोड़ देगा तू, मारेगा। ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसा करके। ऐसा नहीं उठेगा तो ऐसे उठ जाएगा ना। कैसे उठ जाएगा? ऐसे ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाना है तो ऐसे नहीं उठा पाएंगे। नहीं उठा पाएगा। चलो मैं उठा के दिखाता हूँ। एक लोग इसको फुलाओ, जल्दी करो जल्दी। हाँ ये दो छोड़ो, आप यहाँ देख सकते हैं इस गुब्बारे से ये वैल्यूम उठ गया। क्या रीज़न हो सकता है, क्यों उठ रहा है ये? तो इसका अगर रीज़न बताया जाए तो जब हम लोग इसमें कागज़ जला के इस गिलास में डाले, यहाँ के जितनी एयर है वो कन्वर्ट हो गई CO2 में। किस में कन्वर्ट हो गए मेरे भाई? CO2 में। और CO2 जो होता है वो हैवी गैस होती है, तो वो फ्लो डाउन कर गई नीचे, मतलब नीचे चल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया इसके गिलास के अपर साइड पे। जब यहाँ पर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये गुब्बारे का, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ पार्ट, अगर जूम करके दिखाओ थोड़ा, यहाँ से गुब्बारे का कुछ पार्ट ये अंदर चला गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर साइड में लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, और इधर नहीं, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर हाई प्रेशर, तो ये क्या किया, इधर क्या किया, इसको सक कर लिया, और वो इसमें क्या होता है, टाइटली फंस जाता है, और इस तरह से इस गुब्बारे को हम लोग क्या करते हैं, बैलून से उठा देते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पार्शली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या हो रहा है मेरे भाई? पार्शली वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, जिससे ये गुब्बारा इसमें टाइटली फंस जाता है, और ये क्या हो जाता है, इससे आसानी से उड़ जाता है। CO2 बनने की वजह से ऐसा होता है।